भजनपुर एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है। इसमें दो क्षेत्र था, एक हनुमान मंदिर था और दूसरा रोड के ही बीच में भजनपुर चौराहे पे एक मजार था। इन दोनों को ही आज के कार्यक्रम में रिमूव किया गया यहाँ से। हाँ, पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से इसको 15 दिन का नोटिस दिया गया था जो कि 15 मई को खत्म हो गया था। वो सूचना इसलिए देना जरूरी था ताकि कमेटी अपने मर्जी से अपने हिसाब से इसको अपने आप हटा ले, लेकिन चूंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आज ये टास्क फोर्स के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी, पीडब्ल्यूडी के लोग थे और डीएम नॉर्थ ईस्ट के नेतृत्व में ये सारा कुछ हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी का रोड है उसको खत्म, उसको उसमें जो इंक्रोचमेंट था उसका रिमूवल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की तरफ से किया जाए, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। अभी क्या स्टेटस है डेमोलिशन का, कहाँ तक पहुंचा है डेमोलिशन? अभी आप देख रहे होंगे कि ये डेमोलिशन दोनों तरफ का कंप्लीट हो चुका है, अभी ये लास्ट का मलबा जो है बस इसको रिमूव किया जा रहा है ताकि सुचारू रूप से यहाँ का ट्रैफिक चलते रहे। कब तक से ट्रैफिक चल जाएगा, कोई एक्सपेक्टेड टाइम कब तक चल जाएगा? आज ही दोपहर से आप ये ट्रैफिक चलेगा, आप बाजार की तरफ देखेंगे उसमें हमने व्यवस्था कर दी है कि आरसीसी आज ही उसमें डालेगा और हम इंश्योर करेंगे कि दोपहर या शाम तक आज उसमें ट्रैफिक चलने लगे। आज सवेरे का हमारा प्रोग्राम था जो कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहा हूँ प्रोग्राम के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ये भजनपुरा चौक पे हम लोग खड़े, यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मजार था जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहां पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने और यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे आज को सम टाइम तो थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी कर लें। तो आज हम लोग ने इनके साथ सबके साथ बात करके प्रॉपर डायलॉग के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आज ये स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं दोनों यहाँ से और जैसे आप देख रहे हैं सभी लोग का सहयोग है, आप लोग का भी सहयोग है और यहाँ के जो भक्त लोग थे वो लोग भी सवेरे आए, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की शुरू करने से पहले और सब लोग के सहयोग से हुआ है, बहुत पीसफुली हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल और आधे घंटे का काम दिख रहा है मुझे दिक्कत। सर जो यहाँ पे मंदिर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मंदिर का जो एरिया पूरा सड़क के बिल्कुल बाहर आता था, ये रोड पर नहीं आता लेकिन मजार आती थी, लेकिन बराबर करने के लिए पुलिस के होते पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखिए कोर्स काफी है, मेरे पास सफिशियंट है, एडिक्वेट कोर्स मैंने रखा था, एग्जैक्ट नंबर्स में मैं नहीं जाऊंगा और आसपास के जिलों से भी मेरे को बहुत सहायता मिली है, मैं सभी का शुक्र गुजार हूँ, खासकर आप लोगों का क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत संयम जिसमें सुरक्षा और हम लोग का साथ। सर आखिरी सवाल है कि 2020 में सेंसिटिव जगह है तो ऐसे में आगे किस तरीके से लॉ ऑर्डर मेंटेन रहे, कैसे आप लोग इसको प्रोसेस मिलाएंगे? नहीं क्योंकि सबकी सहमति से हो रहा है तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, सभी लोग इसमें मिलजुल के काम करें, इनफैक्ट मंदिर जो रिमूव किया पुजारी ने अपने मंदिर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।